मिस्टर मोहम्मद नईम मौजूद हैं जो कि वाइस चांसलर हैं एडिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में। सबसे पहले तो प्रोफेसर साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए आज प्रोग्राम में बात करने के लिए वक्त निकाला। अब बेसिकली प्रोफेसर साहब, स्टार्ट आपसे मैं थोड़ा सा इस प्रॉब्लम की इंट्रोडक्शन पे लूँगी कि ये जो शदीद सर्दी होती है, जिस तरह ये इंसानों के लिए बीमारियाँ लेके आती है और खुश्क सर्दी, क्या ये एग्रीकल्चर को भी उसी तरह मुतासर करती है? क्योंकि हम तो अद्वियात ले लेते हैं लेकिन एग्रीकल्चर ज़रा स्लो एंड स्टडी उसका प्रोसेस चल रहा होता है, तो क्या उसका जब असरअंदाज होती है तो क्या इलाज भी जल्द मुमकिन है? असल में मैं फर्स्ट जी मेनली जो है हमारे जो क्रॉप्स हैं जी सर, इनमें वाटर जो है कई अरसे से बारिशें नहीं हो रही। वाटर इज़ लाइफ। अब पानी जो है, अगर ये ज़िंदगी है ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए और प्लांट्स के लिए जी, और प्लांट्स जो है कुदरत का एक बहुत बेहतरीन, अल्लाह ताला के सुभान ताला का एक बेहतरीन तख्लीक है। और पौधे में जो है उसकी कई वजूहात हैं। अगर बारिश नहीं होती, अगर हम लीव्स के ऊपर जाते हैं तो लीव्स के अंदर सुराख होते हैं, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। उनकी ओपनिंग क्लोजिंग जो है ये इसी के ऊपर बेस करती है। जब ये ओपन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिसीव करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। फिर इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ये फिर सूरज की रोशनी में जो है ये खुराक तैयार करते हैं। अब इस खुराक में मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जी। ये खुश्क साली जो है ना, इसका इफ़ेक्ट जो है ये वन बाय वन मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ। फिर सूरज की लाइट से ये ग्लूकोज तैयार करते हैं। जब पत्ते में खुराक तैयार होती है, ये खुराक फिर ट्रांसपोर्ट होती है टू अदर पार्ट्स ऑफ दी प्लांट्स। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमें वाटर चाहिए। अगर खुश्क साली होगी तो ज़ाहिर है कि स्ट्रेस आता है प्लांट के ऊपर। न्यूट्रंस की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रंस जो सॉइल के अंदर न्यूट्रंस हैं, कुछ मेजर एलिमेंट्स हैं, कुछ माइनर एलिमेंट्स हैं। मेजर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो मेजर एलिमेंट्स हैं इनको वाटर चाहिए। ये डिज़ॉल्व हो के ये फिर रूट्स के थ्रू ये प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों में जाते हैं। प्लांट्स के अंदर 90% जो है वो वाटर है। इस खुश्क साली की वजह से जो स्ट्रेस आती है न्यूट्रंस के ऊपर भी आती है। फिर ये ट्रांसपोर्टेशन, फूड जो है ये धुंध की वजह से, अगर सूरज की लाइट नहीं है तो वो प्लांट्स जो है वो खुराक नहीं बना सकते। फिर सेल इंग्रेडिएंट्स, जिसमें 90% अगर वाटर है तो एक सेल में वाटर की रिक्वायरमेंट जो है, हमें ये खुश्क साली की वजह से हम उसको फिर फर्दर जो है कि हमारे पास रेन फेड एरिया है, टोटली वो डिपेंड अपॉन रेन। तो उसके बाद हमारे पास जो है माइक्रोबियल ग्रोथ। अब माइक्रोबियल ग्रोथ जो है बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं। क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई दीज माइक्रोबियल ग्रोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स। इसमें यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं, यूज़फुल फंजाई होते हैं। ये हमारे सॉइल के अंदर जो न्यूट्रंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो उनको डिज़ॉल्व करते हैं। जब ये डिज़ॉल्व करते हैं तो ये अनअवेलेबल फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में ये पौधों को कन्वर्ट होती है। इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है और खुश्क साली से ये इसका प्रोसेस भी रुक जाता है। फिर नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स हैं। अगर पानी खुश्क साली है, पानी नहीं पौधे को मिलता तो विल्टिंग हो जाती है। इन तमाम की वजह से जो स्ट्रेस आती है प्लांट के ऊपर, उसकी वजह से हमारी यील्ड डिक्रीज़ होती है। सही। यील्ड में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आजकल हमारी जो मेजर क्रॉप है वो वीट क्रॉप है। वीट क्रॉप के जो है वो टिलरिंग निकलते हैं, मतलब मुख्तलिफ शाखें निकलती हैं। अब एक शाख के ऊपर एक टिलर लगता है, उसमें स्पाइक बनता है, उसमें दाने बनते हैं। अगर ये स्पाइक जो है, जिस तरह एक लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर को मेरे ख्याल बारिश हुई थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो है शावर्स कुछ एरियाज़ में, बरानी इलाकों में, और ये जो स्ट्रेस हमारे प्लांट्स को आया हुआ है वो काफ़ी हद तक वो कवर करेंगे। और इस स्ट्रेस से
कम से कम ये होता है कि इनमें जो सिट्टे स्पाइक्स बनेंगे, दाने अच्छे हो जाएंगे और हमारी बराने एरिया की जो है ना रेन फेड एरिया की जो क्राप है वो काफ़ी बेहतर। डॉक्टर साहब, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस वक्त कंसर्न है सबके लिए कि अब इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जिसे इन्वायरमेंटल चेंजेस कहते हैं, वो चैलेंज है। बारिशें मामूल के मुताबिक प्रेडिक्ट हों भी तो डिलेड हो जाती हैं, अगर हों भी तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी उनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारी ख़ास तौर पर ज़रात को बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं। अब हमारे जंगली पौधे हैं या वो पौधे जो फल नहीं देते, उनकी सेहत अपनी जगह, लेकिन जो ज़रात से वाबस्ता हैं वहाँ पर मुश्किलात बढ़ जाती हैं। एडवांसमेंट, फ्यूचर को सामने रखते हुए रिसर्च एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पूरा शोभा जो है फैसलाबाद में हो या बाकी पाकिस्तान में जहाँ भी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पर इस चीज़ के हवाले से इस एड्रेस करने के लिए, इस इशू को क्या इकदाम किए जा रहे हैं? अच्छा, इसमें यह है कि एक्चुअली वी डिस्टर्ब द नेचर, हमने नेचर को डिस्टर्ब कर दिया है, एट द सेम टाइम नेचर इज़ डिस्टर्बिंग अस, ये दोनों बहुत हुए हैं। अब इसके लिए जिस तरह की रिसर्च में पहले हम गाँव में देखते थे कि हर एक गाँव में एक पौंड होता था जी, हम अपनी लैंग्वेज में चकवाल में उसको हम बन कहते थे, तालाब कहते थे, जोर कहते थे जी। और एक बोर्ड का दरख्त होता था। अब देखें कि वो क्यों यूज़फुल है, क्योंकि वो हमारा वाटर लेवल जो है वो काफ़ी डाउन हो गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ साल पहले अगर 200 फुट था तो आज ये 500 to 600 चला गया। उसके देयर आर नंबर ऑफ़ रीज़न कि सोसाइटीज़ बन गई हैं, लेकिन कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। वो गाँव के उस सिस्टम में अगर इधर भी हमारी सोसाइटी बनती है तो कम से कम सोसाइटी के अंदर ही कोई ऐसा पॉन्ड बन जाए कम, और उसमें जो है वो वाटर लेवल को मेंटेन कर लिया जाए। फिर हम एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं कि डिफरेंट वेज़ है, मल्चिंग हम ये कहते हैं, ये बेड प्लांटर है कि जब हम सोइंग करें, ड्रिल मशीन यूज़ करें या प्लांटर जो है उसमें मल्चिंग हम एक प्रोसेस होता है कि जब आप सो करते हैं, ये ड्राई ग्रास या ये पराली होती है राइस वाली, ये ऊपर ज़मीन के ऊपर डाल देते अच्छा। हैं, उससे ये होता है कि एवेपोरेशन कम हो जाती है, वो 2 से 3 महीने जो है वो मॉइस्चर कंजर्व करते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की स्ट्रेस कम हो जाती है। क्योंकि खुश्क साली से जैसे हम देखते हैं कि ह्यूमन बींग को इफ़ेक्ट करती है सर्दी, इसी तरह प्लांट को भी इफ़ेक्ट करती है, बिल्कुल उसके ऊपर डिजीज़ आ जाती हैं, उसके ऊपर इंसेक्ट का अटैक हो जाते हैं, ग्रोथ कम हो जाती है, यील्ड रिड्यूस हो जाती है, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर जो है इस तरह इनके ऊपर इफेक्ट करते हैं। लेकिन ये जिस तरह चेंज हो रही है एनवायरनमेंट, एक्चुअली देखें कि पाकिस्तान जो है ना रियली के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री, क्योंकि इतना खूबसूरत कंट्री है, सिर्फ हमारी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स है। बारिशें आती हैं, हमारे पास फ्लड हो जाते हैं। हम इस मैनेजमेंट को इस तरीके से जो है, अल्लाह ताला ने हमें ग्लेशियर दिए हैं, साफ पानी दिए है, हाई माउंटेन दिए हैं, लेक्स खूबसूरत दी हैं और बेहतरीन जो है सॉइल है। एरिया वाइज भी आप देखें कि हमारे प्रोवेंसेस में बेस्ट है। सिर्फ हम उस तरीके को, सिर्फ हम उसको मैनेजमेंट करके इस तरीके से ले जाएं कि हम उसको बेहतर यूज़ कर सकें। मेरे ख्याल में कि जिस तरह आजकल लेम्स में ये आर्मी का एक अदारा है कि लैंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वो एग्रीकल्चर की तरफ ट्रेंड आया है और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने तकरीबन एक सारा डाटा एनालिसिस किया कि कौन सी सॉइल है, उसमें न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और उस सॉइल की जो है उसमें वाटर लेवल, कौन कौन सी क्रॉप बेस्ट है, इंफॉर्मेशन है। फिर वो एग्री मार्ट बना रहे हैं फार्मर को सीड, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स और ये एग्रीकल्चर मशीनरी प्रोवाइड करेंगे और फ्री ऑफ इंटरेस्ट देंगे, अपग्रेडेशन टू ओवर द फार्मर। तो हमें नेचर के साथ साथ जो है डिफरेंट तरीके से हमें मैनेजमेंट करने पड़ेगी जी। डॉक्टर साहब, जहाँ पे आप मैनेजमेंट के हवाले से बात करें तो वहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि जिस तरह वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं, हमें भी कुछ नई अडेप्टबिलिटी की जानब बढ़ना चाहिए। हम देखते हैं कि अब कुछ प्लांट्स कवर्ड होते हैं क्योंकि ये एक्सट्रीम वेदर नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसी तरह थर में कुछ ऐसे प्लांट्स लगाए गए जो कि मौसम के अकॉर्डिंगली खुद को अडेप्ट करते हैं। अब क्या हमें इनकी जेनेटिक मशीनरी में कुछ चेंजेस करनी है, सीड्स में कुछ चेंजेस करनी है, क्या चीज़ें या रिसर्च एंड डिवेलपमेंट के थ्रू अपने प्लांट्स में लेके आनी है कि ये जो फ्लड्स आ जाते हैं
एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं ये टॉलरेट कर सकें, बर्दाश्त कर सकें? इसमें देखें कि हमारा एक डिपार्टमेंट प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स मेन काम है वो सीड प्रोडक्शन करते हैं, उसमें सीड में वो डिपेंड करते हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी यील्ड कम होती है और दे आर मोर टॉलरेंट इन हार्श कंडीशन, और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो यील्ड इंक्रीज होती है बट दे आर ससेप्टेबल, फिर उनका वो सेम जो फैमिलीज़ हैं उनका क्रॉस करवाते हैं, नया सीड प्रोड्यूस करते हैं। ये तकरीबन प्रोसेस आपसे कह लें 8 से 10 साल का है। अच्छा, हमारे यहाँ माशाल्लाह देखें कि काफ़ी नई वैरायटीज़ आई हैं जिसमें हमारा अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, NARC है, इन्होंने काफ़ी जो वैरायटीज़ हैं, इस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में भी जैसे ग्राउंड नट का है, ग्राउंड नट के कुछ लाइन्स हैं, अगर 8 मन पर एकड़ से हमारी ग्राउंड नट जो है वो फार्मर ले रहा है तो हमारे एक डॉक्टर साहब ने वो तकरीबन 3 गुना इंक्रीज़ कर दिया, वो लाइंस उसने प्रोड्यूस की है कि वो तकरीबन 25 से 30 मन पर एकड़ में आ गए हैं। तो इसी के साथ साथ इम्प्रूवमेंट होती है, लेकिन वो यार अल्हम्दुलिल्लाह एक्सेसिबल इन आवर सीरियल क्रॉप। हमारे पाकिस्तान में मैंगो का टेस्ट जो है बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू अवर वर्ल्ड, और ऑरेंज के लिहाज से मिल्क प्रोडक्शन में भी हम अगर 5वें 6वें नंबर पर हैं, लेकिन फिर भी आप देख लें कि मैनेजमेंट पुअर है कि हमें वो खालिस दूध पीने को नहीं मिलता। लेकिन मैं डॉक्टर साहब यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूँगी, क्वांटिटी तो है, क्या क्वालिटी भी हमारी वैसी ही है, क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स भी वैसे ही हैं? क्योंकि अक्सर उकार जब आप बाहर से कोई फल या सब्जी खरीदते हैं तो ऊपर टैग लगा होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब पाकिस्तान में हमें ऑर्गेनिक फूड लेना एक ख्वाब है हमारे लिए, तो बेसिकली हालांकि हमारा ज़रूरी इलाके इतने ज़्यादा है तो फिर भी हम जो है ऑर्गेनिक फूड मार्केट में इस तरह अवेलेबल आम तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में देख ले नहीं होता, बहुत कम होता है या बड़े लेवल पे नहीं होता, बहुत रेयर कुछ जगह है। सो बेसिकली क्या क्वालिटी भी हमारे आम की, हमारे सेब की, हमारे माल्टे की उतनी ही अच्छी है? देखिए टेस्ट वाइज तो आप देखें कि हमारे जब फ्रूट्स हैं ना वो बेस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर वर्ल्ड। ऑर्गेनिक फूड का हमारा नॉर्दर्न एरिया जितना है ना ये सारी ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉर्दर्न एरिया में कोई स्प्रे नहीं हो रहा। हमारे वीट क्रॉप जो है ये टोटली ऑर्गेनिक है जी। अब वीट में देखें कि हम जब छोटे थे तो अपने फोर फादर से पूछते थे कि गंदम में ये सरसों के सीड आप क्यों ऐड करते हैं? हमारे अबा अजदाद ये कहते थे कि हमारे जो फोर फादर उन्होंने कहा था कि इससे यील्ड इंक्रीज होती है। जब हम फैसलाबाद में पढ़ते थे फिर हमें इसकी लॉजिक समझ आई कि वीट के ऊपर भी हम जिसको कहते हैं ना सुस्तेला एक इंसेक्ट अटैक करता है उसकी अलग किस्में होती हैं, और सरसों के ऊपर भी एक तेला है तो उसकी अलग किस्में होती हैं। सरसों के ऊपर जो तेला आता है उसके ऊपर प्रीडेटर और पैरासाइट आ जाते हैं जिनको हम अपने वर्ड में कहते हैं किसान दोस्त कीड़े। किसान दोस्त जी कीड़े। अच्छा ये वहाँ डिवेल्प होते हैं, यहाँ से ये जब वो तेला वीट के ऊपर आता है तो ये मूव करता है और उसको खा जाते हैं ये नेचुरल कंट्रोल है। हमारी मोस्टली क्रॉप कुछ फल ऐसे हैं जिनके ऊपर जो है जिसमें अब जिस तरह हमारा एक जो है कि हम फ्रूट फ्लाई के बारे में कहते हैं कि ये हमारा मेजर पेस्ट है, लेकिन फ्रूट फ्लाई जो है ये देखें कि हम वही मैनेजमेंट में आ जाते हैं कि हमारे सारा फ्रूट जो है वो ओपन है। बाहर कंट्रीज में जाएँ वो देखें कि उनका एक ग्लास हाउस में वेजिटेबल्स की है, हमारा ओपन फ्रूट है, उसके बावजूद भी जो है अब देखें कि वो फ्रूट फ्लाई वो इफेक्ट करती है जिसकी वजह से अदरवाइज़ हमारा मोस्टली जो हमारे फ्रूट्स भी हैं वो ऑर्गेनिक हैं। वेजिटेबल में कुछ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर हम स्प्रे करते हैं, लेकिन अगर उनके ऊपर स्प्रे कर भी जाए आफ्टर 15 डेज आप इस्तेमाल करें तो वो बेस्ट है उसमें। डॉक्टर साहब रिवायती तरीका अब तब्दील हो रहा है, अब मौसमी तब्दीली की वजह से अब उस तरह से शायद फसलें लगाना या उनको उगाना उनकी यील्ड हासिल करना बीजेस तो बीज तो मौजूद होंगे सीड्स होंगे लेकिन उनसे इस्तेफादा करना एनवायरनमेंट का मुतदिल होना या वो क्या कहते हैं कि उस तरह का मुनासिब होना मुवाफिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब किसानों को क्या मशवरा देंगे कि वो अपना जो टाइमिंग है उसको शिफ्ट करें फसल को बीज बोने की उगाने की और जिनको तवज्जो दी जाती है उनको पानी देना है पेस्टिसाइड देनी है खाद देनी है उसकी टाइमिंग्स ड्यूरेशन उसके लिए प्रोसेस पूरा होना चाहिए? इसमें मेजर तो होता है ना कि फार्मर हमारे हैं अभी तक उनको बस है कि एक सीड जो है ना वो सीड जो है वो ज़रात के जो है मशवरे के मुताबिक कि कौन सी वैरायटी सो करनी चाहिए उनका टाइमिंग का बिल्कुल ठीक है कि वो किस टाइम पर अमूमन जो है जिस तरह स्टार्ट में जो है हम इनिशियल स्टेज पर अक्टूबर में सोइंग होती थी अब नवंबर में आ गई है
उसके बाद और ये मल्चिंग वाली जो है कि मोस्ट ये बिल्कुल सिंपल ड्राई ग्रास जो है ये आप अपने ज़मीन के ऊपर सोइंग करके ऊपर खा दे तो वो आपका मॉइस्चर कंजर्व करता है और इससे फर्टिलाइज़र भी बहुत कम अप्लाई करनी पड़ती है, पेस्टिसाइड नहीं स्प्रे करना पड़ता। आप अगर मल्चिंग के बगैर क्रॉप लगाते हैं और एक जो है मल्चिंग वाली है तो बड़ा इजी कंपेयर कर सकते हैं, ड्राई ग्रास स्प्रेड करने से मॉइस्चर प्रिजर्व हो जाता है। तो ये हमें उसके साथ साथ मशवरे जो हैं हमारे जो है फार्मर जो है अगर वो लिंक रखें, हमने अपना एक आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम अपने स्टूडेंट को फील्ड में लेकर जाते हैं और कुछ हम फार्मर सेलेक्ट करते हैं, हम उनको फ्री से सीड देते हैं और तमाम टेक्नोलॉजी फार्मर को हम फ्री प्रोवाइड करते हैं और उस बेस पर जो है उनकी क्रॉप होती है वो एक्सीलेंट है। फिर वो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यही सीड जो है आप अपने विलेज टू विलेज आप इसको एज ए सीड सेल करें, स्प्रेड करें ताकि ये सीड भी जो है ये फर्दर है। हमारे फार्मर जो है वो मेरा ख्याल 10 साल पुरानी वैराइटीज़ यूज़ कर रहे हैं, वो उस सीजन में तो बेस्ट थी लेकिन एनवायरनमेंट तो लगता है कि नया कुछ तजुर्बा करेंगे तो शायद कुछ खराब ही ना हो जाए। पे किया जाता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसको इंक्लूड करें। बहुत शुक्रिया। जैसे टनल फार्मिंग आ गई है और वो भी एक जो है इससे ऑफ सीजन वेजिटेबल प्रोड्यूस कर रहे थे। सही, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद नईम साहब आपके कीमती वक्त का। वी आर सो ऑनर्ड कि आपने वक्त निकाला प्रोग्राम में और एग्रीकल्चर के हवाले से, फूड सेफ्टी के हवाले से बात की। ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये किस तरह अफेक्ट करती है हमारी ज़राअत को।